बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक होंगे। तो करते हैं जी ब्लॉग का आगाज़। जी शाम 5 बजने वाले हैं और बच्ची मेरा शाम के खाने की तैयारी कर रही, हांडी बना रही है। मैंने सारे बर्तन धोए हैं और अभी जो है ना मैं आटा गूंदने लगी हूँ। उसके बाद अब्बू जी कह रहे कि आज ना थोड़े से पकौड़े फ्राई कर लें। सिर्फ अब्बू जी ने बोला कि पकौड़े फ्राई करें, बाकी किसी ने नहीं, क्योंकि भाजी मेरा भिंडी बना रही है। मज़ेदार सी भिंडी भिंडी मिली थी कल, 400 रुपये किलो मिली थी। तो मैंने कल लेके आई थी भिंडी, भाजी मेरा वो बना रही है। तो मैंने कहा चले मैं अब्बू जी की फरमाइश पे पकौड़े बना लेती हूँ। नाइफ फातिमा जो है ना मैं दिखाऊँगी, मैंने उसकी दोपहर को तैयारी की थी, तो वो मैं क्लिप पीछे वीडियो में ऐड करूँगी। दरमियान में देख सकते हैं, एंड में देख सकते हैं, वो मुझे पता नहीं कहीं पे भी ऐड कर दूंगी। फुल वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी नया फातिमा की तैयारी आप लोगों को कैसी लगी, ड्रेसें कैसी लगी मेरी नया फातिमा के कपड़े आपको। ओके, तो फिलहाल आटा गूंद के रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़े से एक प्लेट पकौड़े जो है ना अब्बू जी के लिए मैंने बनाने हैं। तो मौसम की सूरत हाल क्या है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखें हल्के बादल बने हुए हैं, आटा गूंद के मैंने रख ली है। और यहाँ पे मैंने कुछ आलू जो है ना इस तरह के चिप्से की तरह मैंने काट के रखे हैं, तो इसी के मैं बनाऊंगी आज पकोड़े। प्याज इसलिए ऐड किया ताकि पकोड़े जो है ना वो नरम बने। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ पैर से थोड़ा सा धनिया और पालक, इनको रखती हूँ किचन में। अच्छा जी, मैं लेने जा रही हूँ धनिया पालक। अनाया फातिमा इधर आओ, बाकिया बाके इस साइड वाली गंदम जो है ना भजवेद की, ओ एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल पक जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और उस तरफ इस साइड वाली भी, यहाँ पे उससे मैं पतीना लेके आई थी अपने मायके से, लेकिन वो ना गमले में होता नहीं है, सूख जाता है। देखें ये भाभी से भजवेद लगा के गई थी सब्जी के बीज। माशाल्लाह माशाल्लाह उस तरफ लोप गए, सारी सब्जियां जो है ना वो निकल आई हैं, ज़मीन से निकल आई हैं माशाल्लाह। मेरे ना हाथ से मोबाइल जो है ना वो हिलता रहता है, तो इस वजह से ना वीडियो अच्छी नहीं बनती है। देखिए अब मैं आहिस्ता 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 जा रही हूँ। सूरज ग़ुरूब होने वाला है, 5:30 पूरे 5:30 बज चुके हैं। तो अभी यहाँ से लेते हैं जी पालक और थोड़ा सा धनिया। पालक है और ये हरी मिर्चें, सब्जी माशाल्लाह से सारे बीज जो है ना बाहर निकल आए हैं। और इस साइड पे ये भी लोबिया, इतना लोबिया लगा दिया भव्या से और भाई जवेद ने, ये तो 2-3 पौधे होते तो काफ़ी थे, ख़त्म ही नहीं होने थे। धनिया पालक मैं घर लेके तो घर वापस जा रही हूँ। कितना नहीं प्यारी फसल है माशाल्लाह से, पीली फसल गंदम पक चुकी है और ये देखें बीच में कितने प्यारे सरसब्ज बाग हैं। फ्रेश पालक, फ्रेश धनिया माशाल्लाह। मैं क्या काट ला ना फिर बाद से तो नहीं है सवार। आलू काट ले, प्याज काट ले। हाँ जी वो कट के तो मैं रख लूँगी। अच्छा जी, तो के रख के हाँ आंदे ना पानी सारा खुश्क हो जाएगा। नहीं पापा ने नहीं उठाया, वो काम कर रहे ना शिना। आज 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 बाकी आओ। हाँ अच्छा 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 मैं धो लो सब्जी धो लो सुनो। अच्छा जी धनिया और पालक मैंने कट कर लिया है, अभी इसको ना अच्छे से धो के एक साइड पे पालक और एक साइड पे धनिया मैंने सारा इसके अंदर ही मिक्स कर दिया, अच्छे से उसको धो लेती हूँ। नाइफ हमारी देखिए चीखे मार रही है, अम्मा उठा ले। अम्मी जी बेसन काट के दिया जी, मैं बना ला। पालक धनिया प्याज आलू बरीक बरीक लंबे लंबे कटे हुए, ये जी लच्छेदार पकौड़ा बनाने लगा अफतारी। हाँ आलू भी पाले, प्याज सारी पाला सोने लाल अंदर साड़ी नया पति ना कर नया कढ़ाई सिटी थले कोई गल नहीं।
मैं भी हाथ ने मिक्स कर दी नमक जीरा नहीं साबुत पाना विच ओ कुटिया भी जीरा तुरिया है कुटिया मैं तो साबुत पानी हूँ अच्छी तरह मिक्स करके मेरी अनाया किधर गई है और अनाया दादी वाल गई है अनाया आ जा आ जा मैं तो नहीं आ बेसन सारा पाना पैना सारा हाँ इन्ने दिन तो नहीं ना बनने चल जिन्ना पौना पूरा पा तो सही अभी आ पाला पकौड़े कूले बन गए पाला सारी ज्यादा ना हो जी कितों मैं तो दो तो चीरनिया पा दी इन्नी दे इन्ने नरम पकौड़े बनते मैं तो फिर अब्बू जी तो खा सकन गए तो अम्मी जी साढ़े की असं साढ़े तो खवा लेंगे दंद खा लेंगे फिर और बेसन बेसन पाला पहले पानी नरम कर ला ना चल अम्मी कर ला चक देख ला पकौड़ा बनता नहीं बनता तो थोड़ा होर पा ला हले नहीं बनता मैं तेन दस नहीं बेसन सारा पै जाना मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता अम्मी जी संग संग नहीं शैवा बनी है खलियां पाओ बथेरे बन जाने ने पकौड़ा बना जब ये तत्ता हो जाएगा तो इसके अंदर हम पकौड़े डालेंगे। सबसे पहले नया फातिमा चेक करो कि नया फातिमा मेरे कुछ चढ़ी पड़ी है वो कह रही फूफू मुझे चखो चिमटा नहीं है मैं तो चिमटे ने करती हूँ बड़ा नहीं गई इन्ना वो कहते इन्ना है कि थला चौड़ा वो देखो ना थला थोड़ा चौड़ा हो गया वो उन्हें ना अम्मी जी पालन सही इस कट के फिर तीन दिन पौन पैने हैं चार मैं फ्राई पैन च करती हूँ किन्ने पै जाते चलो जी मूह तंग पकौड़े फ्राई पैन चिपक दे कुरकने कुरकने परोठे परोठे कुरकने कुरकने हैं नहीं अब जी ये जी असि ड्रोन का शॉट लैन डे चढ़ती है सीढ़ी ते दानी हीरा चढ़ जाती होनी है देखो ना सूरज नहीं हले ग्रुप होया अज सोने सोने कहो मुड़स ने कही भी उत्ते सिट लूंगी हां जी अम्मी पा दियो गर्मी हां जी पा दियो नरम नरम करते हैं
अम्मा मैं जो अम्मा जी रख जानी ना बना के उन्हों का पूर नरम कट लैनी हाँ वो पता की है सानू कुरकने चंगे लगते वडेरे बनते तो जो फिर दंद नहीं होंगे तो फिर सख्त हो जाते माशाल्लाह जी माशाल्लाह फटाफट कर ला फिर रोटी पकानी वो हाँ जी इस तरह जी असं दूसरा पूर पा के ते फिर उन्होंने कड़ लाँगे तो चलो जी पकौड़े बनाने साड़ियां गल्लां नान बनना फिर तो मैंने अब इसके कपड़े चेंज करने हैं और ये मैं इसको फ्रॉक पहनाने लगी हूँ। इसके साथ मैंने ना ये बाजू मंगवाए थे लेकिन कपड़ा मंगवाया था वो सेम मैच नहीं हुआ। अब बस एक मीटर का कपड़ा लेके आया तो बस मैं रख रही इसको ऐसे ही रहने दो। ये फ्रॉक माशाल्लाह ठीक है इसकी, इस इसकी छोटी सी नेपी है मुझे ये अच्छी नहीं लगती ना, फुल हो निकर भी इसकी फुल हो और बाजू भी फुल हो क्योंकि बाजू इसके काले हो जाए गर्मी अब स्टार्ट हो गई है। और साथ में देखे छोटा सा प्यारा सा जूता मेरे बेटे का और साथ में मजे की बात यह है कि ये चूड़ियां लाया फातिमा की। तो मैं अब इसको ये पहनाने लगी हूँ, इसकी तैयारी करती हूँ फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी अब देखें मेरी शहजादी, अब्बास खड़ी करो मेरी बिटिया नु, ये कैसी लग रही है मेरी शहजादी। अनाया फातिमा सीधी हो जाओ अपना ड्रेस चेक करवाओ, अनाया अपने पकड़े चेक करवाओ कैसी लग रही है मेरी गुड़िया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो ना ये ओ ओ ओ ओ फातिमा मम्मा वीडियो बना रही है बड़ी होके देख लेना अपनी वीडियो दिखाओ। अनाया फातिमा इधर देखो एवं कपड़े मेरे पसंद है बच्चियां दे पाए। अब आज मेरा गिफ्ट मिल गया था चूड़ियां, चूड़ियां गिफ्ट मिल गया सन ते फाक करियो के दिखाओ अपनी आंटियां आंटियां कैसी लग रही है मेरी शहजादी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरी गुड़िया। अनाया वाकर से पजांदी माशाल्लाह हुन बजे मेरा सुनने लगी मैं आख्या हुन मौसम आ गया ए हुन हां जी अगले साल ना इथों तंग हो जानी उपरों मैं वैसे बाजू लाण लगे सी मैं कह नहीं लाने मेरे कोल फिर पूरा मीटर दा टोटा मंगवाया ना ओ फिर मैं दा पूरा सूट ही सिलाई करांगी ओ भी मेनू लगदा मैं ना लैस छोटी छोटी लगा के ना लैस ला के फ्राक ही सिलाई करां। हां फ्राक कर बच्चियां नु फ्राक सुनिए फ्राक ही मैंने सिलाई कर लांदी। हेलो मामोली का अच्छा बहुत गर्मी बार पखे तो बगैर फिर इंदी भी नहीं अनाया फातिमा हां जी बिलकुल डेम बिजली ते चचोली दा कोई आया फोन शोन बजी बार हो सकता है बाजी के घर आ गए हूँ चलो तुम करो आराम तो जरा मैं इन्हें लाई करवाई गई तो मैं इन्हू भी सिलावा वेख लो हूँ खुश हो गई नाई करवाई थी गर्मी लगी थी वाल पुटदी सी अपने अनाय फातिमा ओ लो ओ लो हो मामा उठा ले नहीं पत में बाके जो बाके चल चुआ गए भागो 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 अबे चाचू ने सलूके बाके जो बाके भाई प्यार पिछे बिचो नहीं करना भागो अगे चली लगी पटक करके मंजी दे विच
ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆਖਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਆ ਚਾਚੂ ਮੇਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੇਖੋ ਐ ਬਾਈ ਫਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਚੱਲੇ ਆ ਆਖਰੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਕੌੜੇ ਪਾਲਕ ਦਾ ਧਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚਟਨੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।